कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, बिना मास्क लगाए वाहन चला रहे चालकों और सड़कों पर बेतरतीब खड़ी किए गए चार पहिया वाहनों के खिलाफ शनिवार को इंस्पेक्टर कैंट रवि राय के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा भलोटिया मार्केट में पैदल निरीक्षण किया गया, साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर दवाएं खरीदने के लिए जागरूक किया गया। वहीं बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के चालान भी किए गए। इसके पश्चात पुलिस टीम ने टाउन हॉल, कचहरी चौराहा, गणेश चौराहा होते हुए पैदल गश्त किया। इस दौरान सड़कों पर बेतरतीब ढंग से खड़ी चार पहिया वाहन और दुपहिया वाहनों के भारी संख्या में चालान किए गए। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। वहीं किसी व्यक्ति को बार बार समझाने के बाद ना मानने पर उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने जनपद वासियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग सामाजिक दूरी बनाकर रहे, मास्क लगाएं, अपने घरों में रहकर खुद और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, अनावश्यक आप लोग वाहन पार्क मत कीजिए, सामने टाउन हॉल के पार्किंग में ही ले जाके अपने वाहन को पार्क कीजिए। हमारे यहाँ अधिकारी घूम रहे हैं, आप लोग बगैर मास्क न घूमे, अगर पकड़े जाने पे आप लोग का चालान कर दिया जाएगा। चाहे भी ये करते खड़े होकर बात करते हैं, आपसे कोई भी व्यक्ति दिखेगा उसका चालान उसी तौर पर होगा। सिवाय होटल के सामने तो बाहर खड़ा किए गए, इस तौर के आगे भी गाड़ी की खड़ी है, बाहर लगाइए, बाद में चलान हो गया बिना मास्क वाला। भैया अभी भैया बिना मास्क वाले दूर दूर खड़ा रही है बस बचा के। गाड़ी सब सड़कों पे तो है, बार बार बताया जाता है कि पार्किंग में ही ले जाके अपने वाहन को खड़ा करें, रोड पे अनावश्यक इधर उधर मत खड़ा करें, बताए कि रोड पे अपने वाहन को मत खड़ा कीजिए। उसके बाद भी रोड पे अपने वाहन को खड़ा करते रहे हैं। पहले तो आगे वाला उड़ावर, आगे वाला आ गया, आप फिर इसका काट जो है ना, तो आगे वाला उड़ावर हो भेजिए, आगे वाले तो आओ लोग, आप ऊपर करो, ऊपर करो, अब उठाओ उठाओ सीधा। गाड़ियों को पुलिस लाइन भेजा जाएगा, अपनी पार्किंग का प्रबंध कर लीजिए तो आइए, पार्किंग का प्रबंध नहीं है तो बाइक से आइए, लेकिन ये सड़क हमारी जाम मत करिए। आप लोग पूरी सड़क आधे से ज्यादा कवर कर लेते हैं, इसको ध्यान रखिए। और पहले जब कोरोना कम था तो सावधानी ज्यादा थी, अब कोरोना ज्यादा फैल रहा है, आप लोग सावधानी कम कर रहे हो, बिना मास्क के चल रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं आप लोग, सोशल डिस्टेंसिंग
डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। अब ट्रेवल हिस्ट्री वाले कोरोना नहीं आ रहे, जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने लापरवाही की, बिना मास्क के कहीं गए। इसलिए सावधानी बरतिए, और जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उस पर गाड़ियां नहीं खड़ी होंगी। आपके पास पार्किंग नहीं है तो अपनी गाड़ी मत लाइए, सड़क पूरी खाली रहेगी। जितना पिच रोड है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये पूरी तरह से खाली रहेगी, खाली रहने के लिए। अब 10 दिन ये अभियान 2-2-3 घंटे का चलेगा आपके क्षेत्र में, इसलिए बार बार गिराउंड करके बताया जा रहा है। फोटो खींच रहे उसका भाई बाहर नहीं रखना, जो सामान आपका है वो आपकी दुकान के अंदर, तो जो ये लाल वाली पटरी है इस पे आपका वाहन, सरकार की जो काली पटरी है इस पे कोई इन्फोर्समेंट नहीं होगा, ये एकदम खाली रहना चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये जितने भी लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं उनके प्रति कार्रवाई की जा रही है, साथ ही वाहन में जो 3 सवारी या स्पीड ड्राइविंग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जहां पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो या आम पब्लिक वहाँ पर हो, उनके खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करके उन पर जुर्माना वसूला जा रहा है, और जो कुछ लोग बिल्कुल हैबिचुअल हो गए उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। सर, जो लोग शहर के मुख्य मार्गों पे वाहनों को खड़ा करके बेतरतीब तरीके से चले जा रहे हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई की जा? बिल्कुल उन पर कार्रवाई की जा रही है, ट्रैफिक पुलिस भी साथ में लगी हुई है। आज ही लगभग 70-75 चालान से गोल घर से किए गए हैं। उसके अलावा कुछ गाड़ियां जो हमारी ट्रैफिक पुलिस के क्रेन उठा के ले गए उनको लाइन को सीज किया गया है। इसके अतिरिक्त लगातार सभी गाड़ियां अनाउंस भी कर रहे हैं कि कोई भी अतिक्रमण ना करे, कोई भी दुकानदार अपना सामान अपनी दुकान से बाहर न रखे ताकि अतिक्रमण ना हो और लोगों को आना जाना सुगम हो सके। सर, जिन दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है या उनके दुकानों के सामने अवैध रूप से या गाड़ियां खड़ी हैं उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जा रही है? निश्चित रूप से भलोटिया मार्केट में ऐसे भी 2 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 दुकानों को सीज किया गया, जिसका मात्र उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना ही था। इसके अतिरिक्त विभिन्न दुकानों पर हुआ, कल यहाँ पे कुछ साइकिल फर्नीचर की दुकानें लगते हैं विजय चौक के पास, उन पर कार्रवाई की गई, उन पर पेनल्टी लगाई गई। रात में मोहद्दीपुर में भी एक होटल था, उस पर कार्रवाई नहीं तो उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इस तरीके से जहाँ जहाँ भी कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस लगातार सचेत भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके जो भी सुसंगत धाराओं में उसके अलावा विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसको लेकर आम जनमानस से कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, आम जनमानस से अपील है कि अभी भी कोरोना वायरस का जो प्रकोप है कम नहीं हुआ है, प्रतिदिन शहर में जो मामले आ रहे हैं आप लोग भी समाचार पत्रों न्यूज चैनल माध्यम से देख रहे हैं, आपसे यही अपील है कि जो भी इसमें सावधानियाँ बरतने में बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बेफालतू में घरों से ना निकलें, एवं इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये बीमारी अभी भी बहुत जानलेवा बीमारी है, तो इसकी जो भी नियम कानून और जो भी हमको सावधानियां बरतनी है उनको पूरा बरतें ताकि खुद सुरक्षित रहें, अपने घर अपने आस पड़ोसी को सुरक्षित रखें।